हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाजार। आज का वीडियो चाचा लोगों के लिए डेडिकेटेड है, जो रीड नहीं कर सकते, जो नंबर जिनको अच्छे से नहीं दिखता है, और उनके लिए भी डेडिकेटेड है जो छोटे छोटे बच्चे हैं। मान लीजिए आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, आपकी दादी माँ हो सकती है, आपका दादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, जिनको अच्छे से दिखता नहीं है या उनको रीड करने नहीं होता है, मोबाइल में नंबर या कॉन्टेक्ट को रीड नहीं कर पाते हैं, तो उनको फ़ोन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। किसी और से वो जाते हैं, फ़ोन बेटा थोड़ा ये नंबर निकाल देना, इस पर कॉल लगा देना। तो ये वीडियो खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ और उन छोटे बच्चों के लिए है जो घर में कभी कभी इमरजेंसी में माँ बाप उन्हें अकेले छोड़कर जाते हैं और इमरजेंसी में बच्चों को कॉल लगाना होता है माँ बाप को। इमरजेंसी में बहुत ही काम आने वाला ट्रिक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको ओपन कर लेना है डायल पैड, जहाँ से आप नंबर डायल करते हैं या सेव करते हैं। तो सिंपली फ़ोन पे क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये डायल पैड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको नंबर दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इन्हीं 10 डिजिट्स में बहुत सारे राज छुपे हैं। आप लोग तो मोबाइल हर दिन यूज़ करते हैं, हर दिन नंबर डायल करते हैं, नंबर सेव करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन्हीं नंबर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता शायद नहीं होगा। सपोज़ नंबर 2 पे आप लोगों को किसी कॉन्टेक्ट को सेव करना है। अब मान लीजिए आपके चाचा हैं या आपके डैडी हैं, जो भी हैं, आप उनके नंबर को सेव करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 पे ऐसे पकड़ होल्ड करके रखना है, टच करके होल्ड करके रखना है। तो देख सकते हैं ये पेज ओपन हो जाएगा, प्लीज़ सेट 1 टच डायल। तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, तो आप देख सकते हैं ये पेज ओपन होकर के आ गया है। अब आपको 2 नंबर पे क्लिक टू ऐड, अब 2 नंबर पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं किसी का नंबर 2 नंबर पे सेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने एक फ्रेंड का नंबर यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये 2 नंबर पे मेरा फ्रेंड का नंबर सेट हो चुका है। अब मैं 3 नंबर पे सेट करना चाहता हूँ किसी दूसरे फ्रेंड का नंबर, तो 3 पे टच करना है और सिंपली जाना है और वहाँ पे नंबर पे टच करना है और वो ऐड हो गया। इसे टच करना है और नंबर को ऐड कर लेना है। अब मैं एक और नंबर सेट कर लिया है। ऐसे ही आप नंबर्स सेट कर सकते हैं। तो मैं 2 पे किसी का नंबर सेट कर लिया है और 3 पे किसी का नंबर सेट कर लिया है। अब मुझे जब भी उस फ्रेंड को कॉल करना होगा तो मैं डायल पैड पे सीधा 2 पे टच करूंगा और उसे कॉल लगेगा, और दूसरे फ्रेंड को अगर नंबर कॉल करना है तो 3 नंबर पे मैं इसे टच करूंगा, उस बंदे को तुरंत फ़ोन लग जाएगा, मुझे नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई एजेड आदमी है या छोटा बच्चा है, तो उसको आप सिखा करके रखते हो कि देखो चाचा, आपको सिर्फ जब भी मुझसे बात करना है तो आप 2 नंबर के बटन को दबा करके रखना और उस पर कॉल लग जाएगा आपका। तो नंबर सर्च नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 नंबर पे अगर सेट है तो 2 नंबर पे दबा दो, वो कॉल आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। छोटा बच्चा है आपके घर में तो उसे भी समझा सकते हैं इमरजेंसी में कि बेटा देख, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर का बटन दबा देना, मेरे को कॉल आ जाएगा, नंबर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिजनेसमैन है, आपको किसी बंदे को बहुत बार कॉल करना पड़ता है दिन में, तो उस केस में आप उस नंबर को सेट कर सकते हैं डिजिट पे, और जब भी उस नंबर को दबाएंगे कॉल लग जाएगा ऑटोमेटिक। जब भी आपको कॉल करना है तो ऐसे फ़ोन टच करना और ऐसे 2 पे, तो सीधा देखिए कॉल लग गया। तो ऐसे ही जब भी आप किसी नंबर को सेव करेंगे तो उस नंबर पे प्रेस करेंगे तो कॉल लग जाएगा सीधा। अब मैं वापस 3 नंबर पे जो सेव किया था, अब मैं 3 नंबर से प्रेस करूंगा, छोड़ दूंगा तो कॉल लग जाएगा सीधा। तो ऐसे ही ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है,
हर किसी को ये अपने घर में बुजुर्ग आदमी है, वो एजेड आदमी है या छोटा बच्चा है, तो उसे सिखाना ही चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।